मेरा एक्सपीरियंस, मैं एक ही दिन के लिए आया था, एक ही दिन में शूट हुआ ये गाना और मुझे पता भी नहीं था, सडनली पाजी भेजे तो गाना तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो बिना डांस प्रैक्टिस, जगह पे जो भी डांस प्रैक्टिस की वो उसी दिन सेम डे की है जिस दिन शूट करने का था, और बहुत ही मस्ती की है, मस्ती करते करते शूट कर लिया, मालूम भी नहीं पड़ा कि शूट हो गया। नहीं, मैं सडनली, मेरे को एक दिन पहले गाना भेजे, बोले कि 3 दिन बाद शूट है, और उसके जिस दिन गाना शूट किया उस दिन, उसके एक दिन पहले भी कुछ तो फैसों की पार्टी थी, 10 मिलियन की, 10 मिलियन की पार्टी के पास नेक्स्ट डे शूट हुआ। शूट के बाद तुरंत उसी दिन अगले अर्ली मॉर्निंग में गोवा गया था, तो 3 दिन में कंटिन्यू नहीं सो पाया था वो ये गाने के शूट के लिए। तो मेरे पहले भी कुछ गाने आए हैं, बट सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट इसी गाने को लेकर था हम लोगों के। बाय द वे, माय सेल्फ दानिश अल्फा, सिंगर कंपोज़र सना खान, फेमस टिकटॉक स्टार एंड इन्फ्लुएंसर, सोशल सेंसेशन। बाकी गाने पे आते हैं, तो आप लोगों ने गाना देखा ही है अंदर लॉन्च के टाइम पे, और गाना बहुत ही मस्ती वाला गाना है, बहुत अच्छा गाना है, क्योंकि अभी इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा आ रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, लोगों ने मेंशन किया, और काफ़ी प्यार भी मिल रहा है। होली के बारे में बता दो, कैसा लगा गाना? बस बहुत ही बढ़िया लगा। और बाकी कैसा लगा आपको काम करके? शी इज़ वेरी शाय और शी जस्ट केम टू मुंबई, तो अभी जस्ट 1 महीना पहले शिफ्ट हुई है, तो अभी काफ़ी मीडिया को देख के थोड़ा सा नर्वस भी हो जाती है क्योंकि उसका फर्स्ट लॉन्च है, तो उसके भी आप पे कुछ मैं भी बोल देता हूँ। अभी ये फर्स्ट लॉन्च है, फर्स्ट सॉन्ग लॉन्च हुआ है, तो उसके लिए शी इज़ सो हैप्पी है। बाकी आपको कैसा लग रहा है, अपने बच्चे का एक्साइटमेंट बता दो थोड़ा बहुत। डोंट बी नर्वस। इस गाने को लेकर मुझे बहुत खुशी हुई, और मैंने फ़र्स्ट टाइम इतने लोगों के साथ काम किया और बहुत ही अच्छा लगा, फ्रेंडशिप भी हुई कुछ लोगों से, और मज़ा भी बहुत आया। मतलब शूट के टाइम लगा नहीं कि हमने शूटिंग किया है, मतलब मस्ती में ऐसे निकल गया शूट, बहुत अच्छा लगा। तो शेर ने तो बहुत अच्छा किया है, और पूरा शेर लुक भी आ रहा है जो हिसाब से भंडारा बांध के डांस किया है, बाल और बब्बर से गाना तो बहुत अच्छा लगा, कलर भी सेम है, तो फुल डेडिकेशन लगी है भाई की खुद को डांस को लेके। बोल रहा था कि ये मतलब खुद ही कोरियोग्राफ किया है, बहुत अच्छा वो रैप वाला सेक्शन था वो जगह पे वहाँ पे, मतलब ऑन स्पॉट बोल रहे थे कि मतलब जिसका भी मतलब जो भी ऐसा हुक स्टेप है या कोई स्टेप, तो इसने मतलब ऑन स्पॉट अच्छा मतलब इन्वेंट कर लिया खुद का स्टेप, तो बहुत अच्छा लगा बता रहा था। और बाकी लोग ने भी बहुत अच्छा डांस किया, तो वीडियो तो बहुत अच्छा है, मैं तो बोलूँगा इंशाल्लाह कल तक का ट्रेंडिंग जाएगा। और इसको ये भी बोलना चाहूँगा कि ऐसे शेर की स्पीड में भागते रहे। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लाते रहे वीडियो। थैंक यू सो मच, ये सब पूरी वही यूनिटी की वजह से है, टीम वर्क की वजह से है, मैं इन लोग की वजह से हूँ जो भी हूँ। सो थैंक यू सो मच टू माई टीम 07 और भी मेरे जितने भाई लोग। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा एंड बहुत मज़ा आया। हाँ, शूट जैसा ही फील नहीं हो रहा था हमें, इट वॉज अ ग्रेट टाइम, इट वॉज अ ग्रेट शूट एंड टीम वर अमेजिंग। हाँ, और सब लोग इतने प्यार से ट्रीट कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा एंड गीले हो गए थे। हमें ऐसा लग रहा था कि हम अपनी फैमिली के साथ बस एक होली पार्टी मनाने आए, और बस हो गया, बहुत मज़ा आया जी। इस शूट में तो हमने जब स्टार्ट ही किया था, जो इन्वायरमेंट था और जो सेटअप बना हुआ था, और जब स्टार्ट हो रहा था तो हमें ऐसा फील हो रहा था कि हम किसी होली पार्टी में आए, क्योंकि आप जैसे गाने में देखोगे जिस तरीके से उसका पूरा इन्वायरमेंट है, ऐसा लगेगा कि प्रॉपर होली पार्टी हो रही है। वो सो फनी, उसके साथ काम करके मतलब ऐसा लगता है वो सबके साथ एक जैसे है, वो किसी के साथ ऐसा नहीं है कि वो यहाँ टाइम दे, वो सबको एक जैसे टाइम देता है, तो एकदम फन था उसके साथ काम करना।